सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन फैक्टर्स का ध्यान करते हैं रीडिजाइन करने के लिए किसी भी काम को, वर्क स्टेशन को, एनीथिंग. लेट्स स्टार्ट. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस जिसमें हम कंसंट्रेट करते हैं डिजाइन द ओवरऑल वर्क सिस्टम. हर एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं, हमने डिजाइन करना पूरा वर्क सिस्टम, ठीक है, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें उस वर्क सिस्टम को, और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव कर सकें और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकें, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक लेक्चर ले रही हूँ क्लास में, तो मैं हर उस क्लास की मैं हर फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करूंगी. फॉर एग्जाम्पल कि मल्टीमीडिया ठीक काम कर रहा है या नहीं, मेरा सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं, जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ रोस्टरूम पे वो फ्लैट है या नहीं, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी, ठीक है, लाइटिंग ठीक है कमरे में, ठीक है, जो बाहर से आवाजें तो नहीं आ रही कोई. ये सारे फैक्टर्स आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमने हर फैक्टर पे कंसंट्रेट करना है, इसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इन फैक्टर्स को एड्रेस करके, उन पे कंसंट्रेट करके हमने एक वर्क सिस्टम को डिजाइन करना है ताकि हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को. तो इसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन विच यू हैव टू फोकस ऑन एवरी एस्पेक्ट. एवरी एस्पेक्ट का मतलब है आपको हर चीज पे काम करना है, चाहे वो अपने आप पे हो, आपका पोस्चर ठीक है या नहीं, एनवायरनमेंट ठीक है या नहीं, कोई आवाजें तो नहीं आ रही जो आप लेक्चर दे रहे हैं, आपकी टूल्स वगैरह ठीक हैं, यानी आपके टूल से मतलब आपके लैपटॉप ठीक काम कर रहा है, आपका इंटरनेट ठीक काम कर रहा है, ठीक है, आपने जो लेक्चर बनाया है वो प्रॉपर है या नहीं. एवरी फैक्टर पे आपने कंसंट्रेट करना है ताकि उसको डिजाइन किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके, ताकि बेहतर तरीके से काम को परफॉर्म किया जा सके. ये होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन विच यू फोकस ऑन ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, वेदर इट इज द टास्क, इट इज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एनवायरमेंट, ह्यूमन, टेक्नोलॉजी, टास्क, एवरीथिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हेन यू फोकस ऑन अ सिंगल थिंग, ठीक है, व्हेन यू फोकस ऑन अ सिंगल थिंग, तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जाम्पल, हमने सिर्फ और सिर्फ, आप समझे, हमने एक एक चीज ली, हमने उस पर फोकस किया, यानी कि मैंने लेक्चर लिया तो मैं फोकस करूंगी सिर्फ एक चीज पे कि मेरा इंटरनेट ठीक काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी ठीक काम कर रही है, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है, मैं सिर्फ एक टास्क पे फोकस कर रही हूँ, एक चीज पे, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हेन आई फोकस ऑन एवरी एस्पेक्ट तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो. मैक्रो मीन्स एवरी एस्पेक्ट एंड माइक्रो मीन्स ओनली वन एस्पेक्ट पे मैं काम करूंगी, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को और परफॉर्मेंस को, ठीक है. बेसिकली क्या होता है, आपने क्या करना, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, पर्पस इज टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन टू द पर्सन और पर्सन विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें बेसिकली. ये हमने सारा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, कंसीडर करना है आउटसाइड एनवायरनमेंट को, इनसाइड को, एवरीथिंग, टास्क, ह्यूमन, टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, ठीक है. और डिफरेंस भी माइक्रो और मैक्रो में भी मैं एक्सप्लेन कर दिया है कि माइक्रो जो लिमिटेड स्कोप है और मैक्रो का लार्ज स्कोप है, क्योंकि इसमें हर चीज, हर एस्पेक्ट्स आता है, तो जब उसमें ज्यादा चीजें आती हैं तो उसमें टाइम और एफर्ट भी ज्यादा लगता है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोसेस में हमने एग्जामिन करना है हर चीज को, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, इंटरनल फैक्टर्स हो, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट लेट मी एक्सप्लेन विद अ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, उसने काम करना है, इलेक्ट्रिक काम करना है, किसी ट्रांसफार्मर को ठीक करना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसके इंटरनल इन्वायरमेंट पे भी फोकस करेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे भी फोकस करेंगे. इंटरनल इंटरनल इन्वायरमेंट से मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या हैं, कि उसने कैसे काम करना है, कितने बजे जाना है, कौन से टूल्स लेके जाना है, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन किया, कौन काम करेगा, कितनी देर काम करेगा, किस तरह काम को परफॉर्म किया जाएगा और कौन परफॉर्म करेगा, हर चीज, दैट इज दी
इंटरनल एनवायरनमेंट फोकस, ठीक है, फिर आप उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, एवरीथिंग। फिर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फोकस करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है कि वहां पे जब वो काम कर रहा होगा कि वहां पे कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं होंगे, वहां पे बारिश तो नहीं हो रही होगी, वहां पे कोई ऐसा गैदरिंग या कोई जुलूस तो नहीं निकला होगा, तो ये है हर चीज पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक्स प्रोसेस में हम इज अ ब्रॉड टर्म इन विच वी फोकस ऑन एवरी एस्पेक्ट्स टू डिजाइन द वर्क स्टेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क। नेक्स्ट थिंग इसमें आती है पार्टिसिपेटरी इकोनॉमिक्स, यानी कि हमने पार्टिसिपेटरी और शेयर डिसीजन मेकिंग करनी है, जिसमें हमने ऑल लेवल्स पे हर बंदे को इन्वॉल्व करना है कि वो अपने कम अप विद ओन फीडबैक, कम अप विद ओन आइडियाज, ताकि हम क्या इम्प्रूव कर सकें अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट को। यानी एक बंदा कहेगा कि टेक्नोलॉजी में हम ये वाला सिस्टम यूज कर सकते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारे काम की, ये कह सकते हैं एक बंदा कह सकते हैं नहीं हम ये वाली इंटरनेट यूज करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यानी डिपेंड करता है, वर्क टू वर्क वेरी करता है, लेकिन फोकस शुड बी ऑन पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। जब आप टीम को अप्रोच जब आप टीम अप्रोच यूज करेंगे और कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो वो हेल्प करेगी फिल करने के लिए गैप्स को, कि जो जो मसाइल हैं उनको हल करने में हेल्प करेगी। फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, इस पे रिसर्च और जो एविडेंस बेस्ड चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, इससे हमें हेल्प होती है, हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या ये काम करने, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, और इनसे हमारा डिसीजन क्या होगा, इंटरवेंशन क्या होगी, हमारा आउटकम क्या निकलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रिसर्च को अपने इकोनॉमिक्स प्रोसेस में यूज करें। फिर रोल क्या ऑक्यूपेशन और फिजिकल थेरेपिस्ट का, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दैट इंडिविजुअल कैन पोटेंशियली फिल इन टू द वेरियस एनवायरमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, एंड दे प्रोवाइड द गाइडेंस टू हैव द इंडिविजुअल गेट बैक टू द जॉब ऑफ लाइफ। अच्छा जी, अब इसमें अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब हम फिजियोथेरापिस्ट को किस तरह कोरिलेट करेंगे, रोल ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का या फिजियोथेरापिस्ट का क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बंदा आपके पास आया है, पेशेंट जिसको नेक पेन है, आपने उसको एक्सरसाइज बता दी, ठीक है, तो आपने एक मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच यूज करनी है। आपने उसको सारा एक्सरसाइज बता दी, आपने उसको बता दिया कि आपने किस तरह अपना पोस्चर को किस तरह रखना है, आप ज्यादा देर कंप्यूटर पे नहीं बैठना, अगर बैठना है तो आपने हर 20-30 मिनट्स बाद ब्रेक लेनी है, और आपने वॉक करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आपने लेट के मोबाइल यूज नहीं करना, आपने बैठना है और बैठने का ये तरीका है, इस तरह ये सारा आपने उसको बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट गाइड कर दिया। दैट इज द अप्रोच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी आपने हर एस्पेक्ट पे काम कर लिया, ठीक है, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लार्ज स्केल एंड लास्टिंग चेंज, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट्स ऑफन चूज मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच टू अचीव लार्ज स्केल लास्टिंग चेंज। जारी मतलब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोच यूज करेंगे, ब्रॉड सिस्टम यूज करेंगे, हर चीज पे फोकस करेंगे, तो जाहिर है उसका इफेक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग आएगा। एनी चेंज मस्ट क्लियरली सपोर्ट द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप कोई भी आप सिस्टम डिजाइन करें, कोई पॉलिसीज डिजाइन करें, तो वो इन लाइन विद द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। एनी चेंज मस्ट बी क्लियरली रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको फोकस करना चाहिए, जब भी आप पॉलिसीज बनाएं या ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या कल्चर वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग आपने उन चीज़ों को एड्रेस करना है। लॉन्ग स्केल लास्टिंग चेंज इज अनलाइक टू अकर अनलेस ऑल रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व। जब तक कि हम ऑल एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कि लॉन्ग स्केल लास्टिंग चेंज नहीं आएगा। LSLC is unlikely unless workers of all level understand and agree with the needs of the change. Dictated changes do not last, attitude and beliefs changes do last. So you have to work on the कि जो आप अप्रोच यूज करें उसमें आपने सिर्फ डिक्टेट नहीं करना कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, काम ऐसे होना चाहिए, नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन दी माइक्रो लेवल, ताकि आप जो है लोगों के एटीट्यूड्स को चेंज कर सकें, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकें, ताकि वो चेंज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। एल एस एल सी इज मोर लाइकली वेन वर्कर्स ऑफ ऑल लेवल्स हेल्प एंड डिफाइन प्रॉब्लम सोल्यूशंस। पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेटरी इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम शेयर्ड एंड पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो हेल्प करेगा सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए।
एस एल सी ओकर्स व्हेन ईच इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज हिज और ओन रोल, ठीक है. एल एस एल सी ओकर्स व्हेन मोर रेडिली व्हेन पार्टिसिपेटरी इकोनॉमिक्स मेथड्स कंडक्टेड फ्रॉम टॉप डाउन बॉटम अप एंड साइडवेज, ठीक है. ये जो लॉन्ग जो लास्टिंग चेंज आएगा वो तभी आएगा जब हम बॉटम अप या टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बॉटम अप टॉप डाउन का मतलब है कि हम वो ऐसी अप्रोच यूज करें जिसमें हायरार्की को फॉलो किया जा रहा है. हम अपने टॉप लेवल से फीडबैक लेना शुरू करेंगे, सजेशन लेना शुरू करेंगे, आखिरी एम्प्लॉय तक जाएंगे, आपके ऑफिस बॉय, स्वीपर्स, हर एक से, ठीक है. इस तरह ही बॉटम अप से इनकी सबसे लो लेवल से स्टार्ट करके अपर लेवल तक आप सजेशंस लेंगे लोगों से, ठीक है. लॉन्ग फिर एल एस एल सी टेंड्स टू अकर व्हेन केयरफुली एंड मैथोडिकली इंट्रोड्यूस, नॉट व्हेन इंट्रोड्यूस क्विकली एंड डिक्टेटरली, ठीक है. जब आप केयरफुली डिजाइन करेंगे किसी वर्क, कोई भी आपने टास्क डिजाइन करना है, कोई भी आपने कुछ भी करना है, तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की अप्रोच को यूज करना है. यू हैव टू वर्क ऑन द एवरी एस्पेक्ट्स, और ये जो इंट्रोड्यूस करना है इस सिस्टम को बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा. आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि ये पॉलिसी आपने फॉलो करनी है. नहीं, अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसीज बनानी है, न्यू पॉलिसीज बनानी है, तो आप अपने वर्कर्स से, एम्प्लॉयज से, स्टूडेंट्स से, सारे जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कराएंगे, उनसे पूछेंगे, उनके सजेशन लेंगे, और फिर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग लास्टिंग चेंज के लिए. अच्छा जी, फिर एविडेंस बेस्ड अप्रोच बहुत ही जरूरी है. इसमें रिसर्च बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है. अब तीसरा है कि हमने कब पार्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच यूज करनी है और कब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच यूज करनी है. माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच हम तब यूज करेंगे जब हम प्रॉब्लम लिमिटेड होगी, यानी कि जब हमने एक चीज पे काम करना है, ठीक है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच हम तब यूज करेंगे व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन द ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है. हमें डिजाइन करना होगा कुछ भी, कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी वर्कशीट डिजाइन करना है, कुछ भी करना है, डिपेंड करता है कि उसका प्रॉब्लम अगर लिमिटेड है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करेंगे, जो हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट पे काम करना है. और अगर हमें लार्ज एस्पेक्ट पे काम करना है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच का यूज करेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.